दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 14 के ग्रैंड फिनाले काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, जहां पर 3 हफ्ते के बाद ही ग्रैंड फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है। इसके बीच में हर एक हफ्ते को आपको एलिमिनेशन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन एलिमिनेशन से पहले अभी भी बचा हुआ है 8 कंटेस्टेंट। 2 या 3 कंटेस्टेंट को अभी भी एलिमिनेट किया जाएंगे, और जिसके अंदर जिस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करने वाला है उनके नाम मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको एक पिछले एपिसोड के जो वोटिंग रिजल्ट, उस वोटिंग रिजल्ट की भी बात करने जा रहे हैं, जो आपको हैरान जरूर कर देगा। ऐसे कंटेस्टेंट टॉप 5 के अंदर नाम बना लिया है जो किसी को भी उम्मीद नहीं थे। तो पहले बात करते हैं, 8वें नंबर पे है अंजना, 5% की वोट लेके अंजना 8वें नंबर पे है। और 7वें नंबर पे दीपायन मित्रा 7% की वोट लेके है। और 7वें नंबर पे है पीयूष पवार जो कि 8% की वोट है। और 5वें नंबर पे नाम आ रहे हैं बैबा गुप्ता। उसके बाद 4वें नंबर पे अद्दम इच्छरा और 3रे नंबर पे है शुभदीप चौधरी। अद्दम इच्छरा को मिल रहा है 13% की वोट और शुभदीप को मिल रहा है 16% की वोट। साथ ही साथ 2 नंबर पे है अंजना पाल, जो कि बहुत ही बेहतरीन आवाज़ से अंजना पाल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको बोर्डिंग भी अच्छा खासा मिल रहा है, उनको बोर्डिंग मिल रहा है 18%। और 1st नंबर पे है ओम टंगू जो कि 22% की वोट लेके बैठा हुआ है। सबसे पहले से आखिरी तक हाइस्ट वोटिंग ओबम टेंगू को मिल रहा है। तो कौन से कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करने जा रहे हैं पिछले एपिसोड में अंजना और दीपायन के अंदर किसी एक या दो कंटेस्टेंट को कल के एपिसोड में एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे। तो कौन से कंटेस्टेंट के लिए आप सोनी टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।